जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है डिसकनेक्शन अप्रोच रिट्रोसिंथेसिस, उसका आज थर्ड लेक्चर है। लेक्चर है हमारा किस पे? FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ये हमारा डिसकनेक्शन के लिए एज ए टूल काम आता है। आज के लेक्चर में देखेंगे FGI है क्या, कैसे अप्लाई करते हैं, किन किन कंडीशन में अप्लाई होगी और इसके कुछ एप्लीकेशन पोर्शन जो कि आने वाले लेक्चर्स में हमें हेल्प करेंगे हमारी सिंथेसिस यानी रिट्रोसिंथेसिस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। FGI फुल फॉर्म क्या है? फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यानी एक ऐसा प्रोसेस डिसकनेक्शन में जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को इंटरचेंज करेंगे दूसरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर। ये कब करेंगे? FGI का यूज हम कब करेंगे? जब ऐसा कोई कन्वर्जन करना हो, ऐसा कोई डिसकनेक्शन हो जिससे डिसकनेक्शन करने के बाद में हमें जो दो रिएक्टेंट यानी स्टार्टिंग मटेरियल बनाएंगे, टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग मटेरियल बनाएंगे, इनसे वापस प्रोडक्ट बनाने का हमारे पास में कोई ऐसा कोई अच्छी रिएक्शन ना हो, अगर कोई रिवर्सिबल सही रिएक्शन ना हो तो हम FGI का यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन अब है क्या, एक बार देखते हैं। थ्योरी हमारे सामने है। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन यानी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है क्या? फंक्शनल FGI इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग वन फंक्शनल ग्रुप इंटू अनादर ड्यूरिंग रिट्रोसिंथेसिस, यानी एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। कब? जब आप रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कर रहे हैं यानी रिट्रो रिएक्शंस के अंदर देखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? FGI इज मोस्टली इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशंस, यानी हम इन तरह की रिएक्शंस के अंदर इसको इन्वॉल्व करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन में। इन द केसेस वर We do not have the real and the workable reaction. मैंने पहले बताया कि अगर कोई ऐसा reaction नहीं है suitable वापस से आने के लिए target molecule बनाने के लिए तो हम इसको use में करते हैं। तो क्या है? A real and workable reaction refers to the disconnection. We must therefore first do FGI to change the functional group into another suitable group for a good disconnection. यानी मैंने बताया आपको कि हमारे पास में अगर रियल एंड वर्केबल रिएक्शन नहीं है डिसकनेक्शन कराने के बाद में जो हमको मिला है उससे वापस टारगेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमारे पास में वर्केबल या रियल रिएक्शन नहीं है, तब हम FGI यूज में करते हैं। सबसे पहले हम FGI से एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम डिसकनेक्शन करवाएंगे। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो है देखिए बेंजो सीन ली है। ठीक है, एनाथेटिक क्या होता है? एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब होता है जैसे एनेस्थेटिक का मतलब यानी ऐसे मेडिसिन जो आपको लेने के बाद में बेहोशी आ जाती है। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर एनेस्थीसिया जो है के थ्रू क्या करता है, बेहोश करता है पेशेंट को ताकि वो ऑपरेशन कर सके। ऑपरेशन करने से पहले ये दिया जाता है, अगर नहीं दे ठीक है, पेशेंट खुली आंखों से देख रहा है अपना ऑपरेशन तो वो वैसे ही बराबर हो जाएगा, तो एनेस्थीसिया दे जाता है। तो इस टाइप इसका एक एग्जांपल क्या है? बेंजोसिन है। बेंजोसिन का स्ट्रक्चर ये रहा। ओके, ये हमारा क्या है? बेंजोसिन। ठीक है, अब इसको हमने यहां से डिस्कनेक्ट किया है, ये लीजिए कर दिया डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट करने के बाद में क्या किया है? कार्बन ऑक्सीजन एस्टर, ये जो डिस्कनेक्शन क्या है वो हमने लिख दिया SRO पे, और जैसे ही किया है तो ये तो CWH आ गया और ये इसका हमने क्या बना दिया? अल्कोहल। हमें पता है कि हम जब रिवर्स जाएंगे तो एस्टर बन जाएगा, किस किस की हेल्प से? बिल्कुल एसिड और अल्कोहल की हेल्प से। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आएगी उसको देखते हैं। वी शुड नाउ लाइक टू डिस्कनेक्ट COOH यानी एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 from the aromatic ring, but we don't know of any good reverse reaction, ठीक है, corresponding to these disconnections. यानी कहने का मतलब है कि यहां से अगर मैं इस CWH और इस benzene वाले ग्रुप को, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा और यहां से इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मेरे पास में कुछ सिंथोन आ जाएंगे, उससे वापस यहां आने के लिए मैंने आपको बता रखा है सिंथोन क्या है, इसके डिस्कनेक्शन से जो मिलेगा
चार्ज स्पीसीज सिंथोन होगी, उस सिंथोन आपस में रिएक्ट करके वापस ये बनाने के लिए कोई सुटेबल रिएक्शन नहीं है, तो वो ये बोल रहा है वी मस्ट देयरफॉर फर्स्ट डू एफ जी आई, और ऐसा नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ जी आई करेंगे टू चेंज दिस फंक्शनल ग्रुप इनटू अदर व्हिच कैन बी डिस्कनेक्टेड सेटिस्फैक्टरी। ये ओके, एरोमेटिक एसिड्स कैन बी मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये थोड़ा सा हमें यूज में लेना है कि भाई एरोमेटिक एसिड जो है वो हम कैसे गेन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये अभी हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन, एंड अमीनो ग्रुप बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर कि ये रहा हमारा मिथाइल ग्रुप, इससे तो हम क्या बना लेंगे एसिड, और अमीनो ग्रुप बनाएंगे एनोटो ग्रुप के रिडक्शन से। ले लीजिए इससे इसका ऑक्सीडेशन करा के एसिड बना लिया, और इसमें क्या करा है NO2 का रिडक्शन करा लिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, ठीक है। तो क्या किया है बेसिकली, फंक्शनल ग्रुप की नीड क्यों हुई है, जो हम डिस्कनेक्शन करा रहे हैं उसके बाद हमें जो मिल रहा है उससे वापस टारगेट मॉलिक्यूल भी तो बनाना है हमें ये, लेकिन अगर वापस आने का कोई वेल नोन रिएक्शन नहीं है हमारे पास में, कोई मेथड नहीं है, तब हम क्या करते हैं इसके पास जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन के पास जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराते हैं, सुटेबल ग्रुप बना लेते हैं, और उसका डिस्कनेक्शन करके हम आगे डिस्कनेक्शन प्रोसीड करते हैं। हम जो एग्जांपल ले रहे हैं बेंजोसिन, उसको एक बार थोड़ा सा लेते हैं और इसको ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन यानी ऑपरेशन थिएटर में ले चलते हैं इसको, और इसको ऑपरेशन करके देखते हैं, यानी बहुत अच्छे से डिटेल से हम देखेंगे इसको, ठीक है। हमने लिया था यहाँ पर एस्टर ग्रुप, और यहाँ पर लिया था हमने NH2 ग्रुप, और हमने क्या कराया था, डिस्कनेक्शन करवाया था, ठीक है, और किसका करवाया था, हमने यहाँ पे लिखा भी था कार्बन ऑक्सीजन एस्टर, एस्टर ग्रुप ये डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, तो हमने बोली मेंशन कर दिया यहाँ पे, और हमें क्या मिल गया था वो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, रिकॉल हो जाएगा, ये लीजिए बार बार करने से हमारे चीजें लर्न हो जाती है, ये लीजिए हमने ये बना लिया था, इसका अल्कोहल जनरेट कर लिया हमने ये रहा, और इस वाले पोर्शन का एसिड बना लिया, वही था ये हमारे सामने। अब इसके सामने अब हमने लास्ट में यहां पर जो देखा था वो क्या देखा था, कुछ प्रॉब्लम थी कि हम यहां से इसको डायरेक्टली नहीं तोड़ सकते, आगे भी अगर डिस्कनेक्शन करें इसका तो ये प्रॉब्लम थी, तो इसको और अच्छे से देख लेते हैं कि भैया और इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसी मटेरियल को हम यहां पर लेते हैं और इसका डिस्कनेक्शन कराते हैं। अगर मैं इसका डिस्कनेक्शन कराऊंगा तो मेरे सामने प्रॉब्लम वही आ गई कि एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली अगर मैंने CWH ग्रुप ब्रेक किया या NH2 ग्रुप ब्रेक करके, ठीक है मैंने डिस्कनेक्शन तो करा लिया, लेकिन जो आएगा उससे वापस भी तो ये बनाना है, जो कि मेरे पास में कोई सुटेबल या वर्केबल रिएक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं FGI का यूज लूंगा, FGI की हेल्प लूंगा, और क्या करूंगा मैं कुछ ऐसा करूंगा, देखिए क्या लिखेंगे FGI किसका, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इसका कराना है, तो क्या करूंगा बेंजीन बनाई मैंने, इसका कराना है तो डायरेक्टली लिख दिया NH2, इसको कैसे लिखा इसका कराना है तो इसको तो NO2 में कन्वर्ट कर दिया, NO2, और ये एज इट इज मेंशन कर दिया, कूल देखिए क्या करा, ये था इसको यहां पर लिया, हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी अभी लास्ट में हमने यहां देखा था इससे पहले कि हम एरोमेटिक कंपाउंड और CWH ग्रुप को डायरेक्टली तोड़ते हैं, तो हम यहां पर आएंगे जब, तो वापस जाने के लिए हमारे पास में सुटेबल रिएक्शन नहीं है, गॉट इट, दोबारा से सुनेंगे, अगर इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराता हूं, FGI नहीं कराता हूं, फॉर एग्जांपल इसका भी नहीं कराता, इसका भी नहीं कराता, तो मैंने क्या करा यहां से डिस्कनेक्शन करा दिया ये वाला बॉन्ड, तो बेंजीन एरोमेटिक रिंग अलग हो गया, CWH ग्रुप अलग हो गया, यहां से NH2 ग्रुप हो गया, बेंजीन अलग हो गया, हमें यहां पर मिल गया, ठीक है स्टार्टिंग मटेरियल जो बनेगा जिससे, लेकिन अब इससे वापस टारगेट मॉलिक्यूल भी तो बनना चाहिए रेट्रोसिंथेसिस में,
वो हमारे पास में सुटेबल रिएक्शन नहीं होने के कारण हम क्या करा रहे हैं, एफजीआई करवा रहे हैं। इस वाले ग्रुप का कराया तो एनओ टू ग्रुप ये रहा, गॉट इट, एनओ टू। कोई प्रॉब्लम इसमें मेरे हिसाब से नहीं है, चलती। अब फिर मैंने फर्दर एफजीआई कराया, क्या कराया, एफजीआई किसका कराया, इस बार सीडब्ल्यूएच ग्रुप का कराया। और इसको कराने से मुझे जो मिला वो कुछ ऐसा था, ये लीजिए CH3 ग्रुप और ये NO2 ग्रुप, गॉट इट। इसका और इसका एफजीआई क्यों कराया, इसका इसलिए कराया एरोमेटिक और NH2 ग्रुप को मैं जब ब्रेक करूंगा तो ठीक है, ब्रेक तो कर दिया, डिस्कनेक्शन तो कर दिया, लेकिन वापस ये बनाने के लिए सुटेबल रिएक्शन नहीं है। यहां पर CWH का CH3 में फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन कराया, FGI कराया, क्योंकि अगर मैं यहां से एरोमेटिक रिंग बेंजीन और CWH ग्रुप को ब्रेक करता हूं तो मेरे पास जो दो रिएक्टेंट मिलेंगे, स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा, उससे वापस यहां पर आने के लिए कोई सुटेबल रिएक्शन मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, FGI की हेल्प ले रहा हूं और CWH ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, CH3 में। आइए फिर आगे मैं क्या कर रहा हूं, ये यहां पर मैंने यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रेशन, ओके। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया टोलुइन बन गई, क्या बन गई, टोलुइन, गॉट इट। नाइट्रेशन क्यों किया है, क्योंकि हम वापस जब आएंगे तो नाइट्रेशन के थ्रू आएंगे, इसलिए नाइट्रेशन। देखिए हम यहां से चले थे, यहां आए, इसको यहां से उठाया, एफजीआई कराया, नाइट्रेशन, ये NO2 ग्रुप, फिर वापस आया, फिर NO2 ग्रुप मेंशन किया, मेंटेन रखा, CWH ग्रुप का एफजीआई कराया हमने CH3 में, और फिर वहां से हमने ये डिस्कनेक्शन करा दिया, टोलुइन बन गई। अब सिंथेसिस देखते हैं, इसका क्या देखेंगे, सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या है उसको समझते हैं। सिंथेसिस का मतलब यह है कि अब हमारे पास में हम उल्टा चलेंगे, क्या चलेंगे, उल्टा। उल्टा का मतलब यहां से स्टार्टिंग करेंगे और हम हमारे टारगेट मॉलिक्यूल यहां तक जाने की कोशिश करेंगे, ये यहां तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोलुइन तो हमें लैब में मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, टोलुइन तो मिल जाएगी। हम इसका क्या करा देंगे, नाइट्रेशन, H2SO4 एंड HNO3 से नाइट्रेशन करवाएंगे और पैरा पोजीशन पे हमें मिल जाएगा NO2 ग्रुप, ये लीजिए। ध्यान से देखिए, ये NO2 ग्रुप इससे, सॉरी, ये NO2 ग्रुप इस CH3 के पैरा पोजीशन पर है, यहां पर भी यही सीन है, पैरा पोजीशन पे, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या हुआ है, इससे हमें अब यहां आगे चलना है, आगे चलना है तो मैं क्या करूं कि CH3 को किसमें करना है, CWH में, तो KMnO4 डाल दो, ऑक्सीडेशन हो गया, ओके, COOH NO2, गॉट इट। KMnO4 डालते, CH3 कन्वर्ट इनटू CWH ग्रुप। नेक्स्ट H2PDC, जैसे ही मैंने ये डाला तो ये इस ग्रुप का रिडक्शन कर देगा और मेरे पास में NH2 ग्रुप आ जाएगा। यह आ गया, क्या क्या ये और ये सेम है क्या, बताइए मुझे, ये जो है और जे, क्या ये सेम है क्या, बताइए देख के, बताइए जल्दी से, अगर सेम है तो यस बताइए, यस यस बोलो, हाँ यही है, यही है क्या, ठीक है। अब क्या करें, यह ये तो मिल गया, बट हमें तो ये बनाना है, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल तो जे है, तो क्या ये बन सकता है, क्या बिल्कुल बन सकता है। हम क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में इथाइल अल्कोहल डाल देंगे, अल्कोहल डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, COOET और नीचे तो हमारा NO2 NH2 ग्रुप है ही, ये लीजिए। क्या हुआ है लाला, देखो क्या है, एसिड अल्कोहल एसिडिक मीडियम एस्टरिफिकेशन और ये एक दूसरे के पैरा पे
स्टार्टिंग मटेरियल आ गया, टारगेट मॉलिक्यूल, तो सिंथेसिस हो गई हमारे पास में। ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये सिंथेसिस हो गई इसकी। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा डिस्कनेक्शन स्टार्ट हुआ है। करते क्या है, हम टारगेट मॉलिक्यूल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, टारगेट जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है ये हमारा एक्चुअल में प्रोडक्ट है, इसको हम तोड़ रहे हैं कि ये किससे बना है, जो हमें मिल रहा है रिएक्टेंट वापस इससे, वेल नोन रिएक्शन ऐसे होनी चाहिए जिससे वापस टारगेट मॉलिक्यूल बन जाए। लिटोसिंथेसिस में ये करते हैं मेनली। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एफजीआई। एफजीआई कैसे यूज में आएंगे कि मान लीजिए टारगेट मॉलिक्यूल है, उससे हम जो फ्रेगमेंट बना रहे हैं और ये फ्रेगमेंट आपस में रिएक्ट करके वापस टारगेट मॉलिक्यूल नहीं बना पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन से पहले एफजीआई यूज में लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ली है, अभी हमने कोई डिस्कनेक्शन कराया, हाँ एफजीआई कराई, अब डिस्कनेक्शन कराया, और डिस्कनेक्शन कराने के बाद में जो मिल रहा है उसको हमने एज ए स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो हमारा, फिर हमने सिंथेसिस में काम में ले लिया और टारगेट मॉलिक्यूल तक हम पहुंच गए। गॉट इट। अब एक एग्जांपल और देखेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच में एफजीआई और कैसे फिट बैठता है, उसको एक बार और देखते हैं। एक और इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन, एफजीआई इज ऑल्सो ऑफ्टन एड्स डिस्कनेक्शंस वेयर compounds to be disconnected are more reactive than the reactants. ये बड़ा important हो गया, because in such cases there are chemoselectivity problems. In these cases the compound to be disconnected is converted into less reactive one by FGI before the disconnection. क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हम जब डिस्कनेक्ट करते हैं किसी भी, डिस्कनेक्शन करते हैं किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, इसका हमने डिस्कनेक्शन किया, क्या कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर दिया हमने, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन अमाइन बॉन्ड, ठीक है, इससे हमारा ये बन गया स्टार्टिंग मटेरियल। अभी बोल रहा है कि इसमें जब मैं इसकी टारगेट मॉलिक्यूल वापस बनाऊंगा इनसे, तो वो ये बोल रहा है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है इन दोनों से, तो प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए, तो टारगेट मॉलिक्यूल बनना प्रॉब्लम हो गई। अब क्या कर रहा है, ऐसे केसेस में जिनमें टारगेट मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव हो गया है उसमें हम अब एफजीआई यूज में लेंगे। तो ये मटेरियल मैंने यहाँ पे आपको एज ए थ्योरी दे दी है। अब देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये, द प्रॉब्लम इज दैट द प्रोडक्ट टारगेट मॉलिक्यूल इज ये यूजली मोर रिएक्टिव देन द स्टार्टिंग मटेरियल एंड दिस there is a danger of multiple alkylation. FGI is used to overcome this problem. The reactive amine is converted into less reactive amide before disconnection. वो बोल रहा है कि भैया एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, डिस्कनेक्शन कराया तो ऑब्वियस सी बात है वो टेस्ट ट्यूब में रहेगा, तो ये बोल रहा है कि इस ये रिएक्शन करेगा इनसे ज्यादा और क्या बना ले है? बहुत सारे एल्काइलेशन कर सकता है ये हमने मैंने मेंशन किया है। तो क्या करें, इसको पकड़े, पहले इसका एफजीआई कराते हैं पकड़ का, ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं और इसका एफजीआई कराते हैं। आइए यही है, तो हमने क्या करा, जो हमारा ये है इसका हमने करा लिया एफजीआई, जी लो एफजीआई के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, हमने इसको एमाइड में कन्वर्ट कर लिया, कैसे, ये लीजिए बन गया एमाइड। अब हमारे लिए ये थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि हमने यहां से अब डिस्कनेक्शन करा दिया इसका और हमको क्या मिल गया है, ये लीजिए, ठीक है, क्या बना रहे हैं हम इससे, कार्बन नाइट्रोजन अमाइड बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इंफॉर्मेशन लिख लिया, क्या बना आर एन एच टू प्लस, इससे ये, इससे हमने बना लिया सी एल सी आर, ये लीजिए असाइल क्लोराइड मैंने जनरेट कर लिया है, दिख रहा है, वेरी गुड, ये है एफजीआई का यूज। अब सिंथेसिस देखते हैं इसका, इसका सिंथेसिस कैसे होगा, तो सिंथेसिस के लिए थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेंगे। ओके देखिए सिंथेसिस, क्या किया है हमने, जो हमको मिला है वहां वो हमने ले लिया है यहां, वाह क्या लाइन बनी है, जो बना है वहां वो ले लिया है यहां,
क्या बात है। चलो ये लो, क्या करना है, रिएक्शन कराना है, यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, HCl हो गया। अब क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, R। अब देखिए दो R है, ये R डैश था, ये R डैश था, इधर R डैश हमने लगाना भूल गए, तो यहां पे भी लगा लेते हैं। अब देखो ये जो कंपाउंड है वो बन जाएगा NH, दिख रहा है? ओके, फिर आगे क्या करेंगे, ये Cl तो निकल ही गया, R डैश, गॉट इट। आगे यहां से अब ये बनाना है टारगेट मॉलिक्यूल, ये कैसे बनेगा, इसका मैं रिडक्शन करा दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, चलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, इसका रिडक्शन करा दिया, क्या बन गया, ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो एल्कोहल बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं, चलो ठीक है, यही ले लेते हैं, चलो रिडक्शन कराना है हमें, और क्या बन गया, NH, ये लीजिए बन गया, दिख रहा होगा आपको, ओके। तो ये स्क्रीनशॉट एक बार आप इसका ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसके अंदर टारगेट मॉलिक्यूल जो था वो बनाया है, यानी FGI हम कब यूज में लेंगे, तब यूज में लेंगे जब हमारे पास में डिस्कनेक्शन करा के हमारे पास में रिएक्टेंट बन रहा है, ये टारगेट मॉलिक्यूल था, अब हमें वापस टारगेट मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमें एक प्रॉब्लम अब फेस करनी पड़ रही है, क्या कि इन रिएक्टेंट से ज्यादा तो टारगेट मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव है बाबा, और ये एल्काइलेशन कर रहा है मल्टीपल, अब हमें कैसे मिलेगा फिर जब ये रिएक्शन करेगा तो इनसे ज्यादा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको किस में कन्वर्ट करेगा, करना पड़ेगा FGI के थ्रू, ये लीजिए एमाइड में, लेस रिएक्टिव एमाइड में, अब इसका डिस्कनेक्शन करा देंगे, ये करा दिया, अभी सिंथेसिस देखेंगे, तो जो बना था उससे हम टारगेट मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं, वो इजिली हम यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल हमने हमारा अचीव कर लिया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल हमारा वही है R NH R डैश, ओके, क्या करें हम, लिटोसिंथेसिस देख रहे हैं, हमने क्या करा FGI करवाई, क्या करवाई FGI, FBI नहीं है ये, FGI है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ओके। तो हमने क्या करा, ये लीजिए क्या बना लिया, इमीन बना लिया, क्या बना लिया, इमीन, सुनिए क्या होता है इमीन, नाइट्रोजन और कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो मैं इसे इमीन बोलता हूँ, कि कई बार हमारे आ भी गया है तो आपको आता भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, चलो आगे चलते हैं। यहां से अब मैं ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करा देता हूँ, करा दिया एक बॉन्ड डिस्कनेक्ट, ये जो ये साइन है ये डिस्कनेक्शन का है, और आफ्टर द डिस्कनेक्शन कराया क्या है, इंफॉर्मेशन एरो के ऊपर लिखेंगे कार्बन नाइट्रोजन इमीन, ओके, ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया है। यहां से ये एक पोर्शन मिला, वो क्या है मैं मेंशन कर देता हूं, NH2+। ये जो पोर्शन मिला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बाबा, ये हमें मिलेगा क्या, एल्डिहाइड, क्या मिल गया, एल्डिहाइड, टारगेट मॉलिक्यूल हमारा ये रहा, दिस इज टारगेट मॉलिक्यूल जिसका हमने क्या देखा है, रिट्रोसिंथेसिस, ठीक है। अब हम इसका सिंथेसिस देखेंगे ओनली, क्या देखेंगे, सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी टारगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे जो हमने दो फ्रैगमेंट वहां पे बनाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, R NH2+ HER, ये डैश था, इधर एड डैश लगा लेंगे हम, ये लीजिए। अब मेरे को बताइए ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है बताइए आप, हमने कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर रिएक्शन देखी थी, ठीक है, एल्डिहाइड और बिल्कुल एमीन की, तो उससे क्या बन रहा था, बिल्कुल आइए बनाते हैं, रिएक्शन होगी और कंपाउंड बन जाएगा, आप बताइए पहले, कमेंट कीजिए, पॉज कीजिए कैमरा, बताइए क्या बनता है, जल्दी बताइए, बताओ बताओ। वैसे तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट पे चले, तो देखिए यहां से मैं क्या रिमूव कर दूं, H2O,
ऑक्सीजन और एच टू, ये मैं करा चुका हूं, लिंक में भी दे दूंगा इसके रिएक्शन एक, एन डबल बॉन्ड कार्बन और आर डैश, ये लीजिए क्या बन गया, इमीन बन गया बाबा, ये रहा, लिख लेते हैं इसको क्या है, ये हमारा इमीन, जी लो। अब क्या करें आगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा टारगेट मॉलिक्यूल हमको मिल जाएगा, ये लीजिए एच लगा दीजिए इधर, ये लीजिए, ये लो बना लो भाई, बन गया सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी रिडक्शन कराना है, कहने का मतलब ये रिडक्शन कर रहा है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम ले लिए, रिएक्शन करा ले लीजिए। अब सुनिए ये रिएक्शन हुई कैसे है उसको देखते हैं, ये रहा प्लस, क्या हुआ होगा, इसने इस पर अटैक किया होगा कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पर और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए होंगे, और NH2 पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखिए ये नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और H तो था ही इसके पास में, ये R डैश लगा देता हूं, अब H नहीं लिख रहा मैं, अंडरस्टूड है कि H है, ये वाला H, ठीक है, ये लो लगा लो भाई, ये लो, आप बोलोगे H नहीं लगाया आपने, ठीक है। अब क्या हुआ सुनिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेगा अपना एच प्लस इसको डोनेट कर देगा, इसको दे देगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये ओ एच बन जाएगा, इसका पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, न्यूट्रल बन गए दोनों मजे में, येलो, कोई दिक्कत। अब होगा क्या कि यहां से तो ये H और यहां से ये OH, दोनों क्या बोलेंगे, मौसम बहुत अच्छा रहा चलो घूमने चलते हैं, ओके टाटा बाय बाय, पानी बरस रहा है एंड बरसात हो रही है बहुत अच्छी, घूमने चलते हैं, ये लीजिए हो गया, क्या बन गया इमीन, वो ये रहा शॉर्टकट क्या है, H2 रिमूव कर दीजिए, इतनी बड़ी मैकेनिज्म से बच गए हम, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है, इमीन बना है। तो FGI क्या है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, कैसे हेल्प करता है हमें, कैसे यूज में करेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, थ्योरी भी आपको कराई है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ओके। और अभी रिट्रोसिंथेसिस हमारा स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ में उनसे भी आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियोस, ठीक है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।